सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर अयाज सादिक और दीगर पार्लियामेंटेरियन पर मुश्तमिल इंतखाबी असलाहात की कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुकम्मल कर ली हैं, जो अनकरीब एक बिल की सूरत में मंजूरी के लिए सेंट में पेश कर दी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा है कि इंतखाबी असलाहात की कमेटी में 1 करोड़ अकलीती आबादी के किसी नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। न अकलीती अराकीन पार्लियामेंट ने अकलियतों के सियासी मसाइल कमेटी के रूबरू पेश करने की कोशिश की है। अकलियतों का दरीना मुतालबा है कि इन्हें अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए। पार्लियामेंट में मौजूद सिलेक्टेड अकलियती नुमाइंदे इस मुतालबे की हमायत नहीं करते हैं, इसलिए इस पर पार्लियामेंट में बात नहीं करते, क्योंकि इलेक्शन जीत कर असम्बलियों में आना इनकी औकात ही नहीं। उन्होंने अकलियती सियासी समाजी और मजहबी तनजीमों से इस्तदा की है कि इस्लाहाती कमेटी के चेयरमैन एयाज सादिक और दीगर पार्टीज के सरबराहान को अपने ट्विटर पैगाम के जरिए आगाह करें कि हम असेंबलियों में अकलियतों की नुमाइंदगी किस तरह चाहते हैं।